आज हम आपको बताने वाले हैं द नाउन और नंबर। नंबर क्या होता है और इसे कितने भागों में डिवाइड किया है। इसके साथ साथ जो सिंगुलर नाउन होता है जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो हमें क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके भी कोई कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। और आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमें क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। K-Tube Channel। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नंबर। नंबर किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द अपने बारे में एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम नंबर कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिए हैं, इसे देख लो। जैसे ये दिया बॉय, ये अभी कैसा एक है। अब इसमें देखो बी ओ बाई, इसमें ऐसा लगा दें तो ये बहुत से बॉय हो गए। इसी तरह से कैट, ये एक है। अगर हम इसमें क्या लगा दें, एस लगा दें तो ये बहुत सी कैट हो गई। तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो जो टूथ है तो इसमें एस नहीं लगानी है, क्या करना है मुझे, डबल ओ की जगह डबल ई लगानी है। और इसी तरह से जो मैंगो दिया है ये सिंगुलर है, अब जब हम इसे प्लूरल में बनाएंगे तो इसे क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ देंगे। सभी के नियम अलग अलग होते हैं। जब कोई नाउन सिंगुलर है तो उसे हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है एस ही लगाई जाए तभी प्लूरल हो। अब वो हम सब आपको क्लियर करा देंगे कि हमें कौन सा सिंगुलर नाम जब हम उसे प्लूरल में बनाएंगे तो हमें क्या क्या लगाना है। हमें एस लगानी है कि डबल ई लगानी है, जो कुछ भी है सब आपको क्लियर करवा देंगे। तो देख लेते हैं, इसके बाद समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, इसे हम कहते हैं एकवचन, और एक होता है प्लूरल, ये होता है बहुवचन। ये दो प्रकार के होते हैं जो नंबर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब सिंगुलर कैसे, जैसे सिंगुलर में ये दिया है, अभी मैंने बताया था बॉय कैट डॉग गर्ल, ये सब सिंगुलर हैं। कैसे है? सिंगुलर हैं। अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो इनमें क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। एस लगा दिया, ये हमारा कैसा हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, ये होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो इसके बाद हम आपको नियम बताते हैं क्या क्या नियम इनमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स नंबर, एक वचन से बहुवचन बनाना। हम इसके बाद जो और बताने वाले हैं उसे आप जरूर देखना, ऐसा मत करना कि इतना ही देख के आप बंद कर दो, अरे ये तो नॉर्मल है कुछ नहीं है ये तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद हम जो बताने वाले हैं वो शायद आपको नहीं पता हो, ये हम जो बता रहे हैं अभी ये तो नॉर्मल चीज है। जैसे कि ऐप, ऐप है, जब हम इसका क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे तो इसमें क्या, एस लगानी, केवल बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आंट, एस लगा दिया मैंने। इसी तरह से बुक, एस, तो ये सिंगुलर है और एस लगाने से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और भी दिए इसमें, एस लगा दिए इसमें भी, और डॉटर, इसमें भी मैंने एस लगा दी। ये तो एस लगाने से हो गए प्लूरल। ठीक है, इस तरह के और भी हैं, ये भी देख लो आप स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। अब आपको ध्यान देना है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, अगर कोई हमारा नाउन है कैसा है, सिंगुलर है, और उसके अंत में क्या दिया हो, एस या डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स, ये अगर दिए हैं तो हमें एस लगा के, अभी तक तो हमने एस लगा के उसे प्लूरल बना दिया, लेकिन अब एस नहीं लगेगा। अगर एस नहीं लगेगा अगर इनमें से कोई कैसे सिंगुलर नाउन के अंत में है, जैसे इसमें देख लीजिए एग्जांपल ए डबल एस, तो इसमें डबल एस दिए हैं तो इसमें जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो इनमें हमें लगाना है ई एस, क्या लगाना है, ई एस लगाना है, और ई एस लगा के हम इसे कैसा, बहुवचन बना देंगे। तो देखिए ये ए डबल एस है, इसमें हम ई एस जोड़ देंगे,
यस जोड़ देंगे। अब ये हमारा हो गया प्लूरल। इसी तरह से ये दिया बेंच, बेंच तो इसमें भी हमें क्या लगाना है, ई एस, क्यों लास्ट में क्या दिया है सी एच दिया है ना, सी एच इसमें भी है। और दिया है हीरो, ओ दिया है उसमें भी, तो क्या करना है मुझे इसमें भी मुझे ई एस जोड़नी है। बॉक्स लास्ट में एक्स आया है तो इसका भी हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा देंगे, ई एस। इसी तरह से बस, एस दिया सिंगल, अब एस नहीं लगानी है, ई एस लगानी है इसमें। ये हमारे कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एस लगा के बन जाता है प्लूरल, लेकिन सभी में एस नहीं लगती है, सभी के नियम अलग अलग है। आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करवा देंगे कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या क्या नियम फॉलो करना है। और देखिए इसके साथ साथ ये भी देख लो जो स्क्रीन पे है। अब इसमें ध्यान देना है, अगर सिंगुलर हमारा नाम है उसके अंत में ओ या डबल ओ आ जाए तो हमें सिर्फ एस ही लगानी है। क्या लगाना है, एस ही लगानी है अगर किसमें सिंगुलर नाउन के अंत में आ जाए। जैसे इसमें दिया है फोटो, लास्ट में ओ आया है तो इसमें सिर्फ एस लगानी है, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से ये कुकू, तो इसमें भी मुझे क्या लगानी है, एस लगानी है, इसमें भी एस लगानी है और इसमें भी एस लगानी है। ये हमारे कैसे प्लूरल हो गए, सभी के नियम अलग अलग होते हैं। और ये भी देख लो, अब अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई आ जाए, एफ या एफ ई, तो हमें जब उसका प्लूरल बनाना है तो उसके लिए हमें वी ई एस का प्रयोग करना है। किसका करना है, बी ई एस। अब तक तो हम एस ई एस इन्हें लगाते आए, लेकिन अब ये नहीं लगेंगे अगर किसी के अंत में क्या एफ या एफ ई है तो। अब देखिए इसमें दिया है लाइफ, एल आई एफ ई, तो एफ ई दिया है तो इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे ना तो इसमें ई एस जोड़ेंगे ना एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है मुझे, वी ई एस, ठीक है। इसी तरह से इसमें दिया है सेल्फ, क्या दिया है सेल्फ, इसमें भी हमें क्या जोड़ना है, वी ई एस। वाइफ इसमें भी वी ई एस, और काफ इसमें भी क्या जोड़ना है मुझे, वी ई एस, और इसमें भी मुझे हाफ वी ई एस जोड़ना है। बस आपको ये ध्यान रखना है अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उसके अंत में क्या आ जाए, एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो हम उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो वी ई एस ही जोड़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है, जैसे कि अभी तो मैंने बताया अगर किसी के अंत में क्या जाए एफ या एफ ई आ जाए तो क्या लगाना है, बी ई एस जोड़ना है। और अपवाद ये है, कुछ में हम एस का प्रयोग करते हैं, सभी में नहीं करते हैं, कुछ में करते हैं एस का प्रयोग। और एस का प्रयोग किन के साथ करना है वो देखिए, ये स्क्रीन पे देख लो, ये जितने भी हैं इनके साथ हम एस का ही प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप नोटबुक पर लिख सकें। इसमें दिया है नाउन के अंत में बाय तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाय के स्थान पर हम एस जोड़ देते हैं। अब देखिए अगर किसी नाउन में जो लास्ट वाला अक्षर है बाय और उससे पहले कौन सा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो आप जानते होंगे व्यंजन, तो हमें बाय की जगह क्या करना है, बाय का आई बनाना है और ईएस जोड़ना है। जैसे इसमें लास्ट में दिया है बाय, इससे पहले क्या दिया है कॉन्सोनेंट है, क्योंकि कॉन्सोनेंट बोवेल तो होते ही है, बोवेल क्या होते हैं ए ए आई ओ ई बोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट अदर जो रहेगा वो होते हैं। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, ए आर एम, अब बाय को हटाना है इसकी जगह हमें क्या लगाना है आई और ई एस जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया प्लूरल, ये है सिंगुलर, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या बाय की जगह आई बना के ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह सिटी, क्या दिया है सिटी, तो सी आई टी और आई ई एस, ठीक है सिटीज। बेबी बी ए बी आई ई एस। इसी तरह से कॉपी सी ओ पी आई ई एस, और इसी तरह से एक और दिया है लास्ट बॉडी बी ओ डी आई ई एस। इस तरह से हमें
ये प्लूरल बनाने हैं। अगर किसी में क्या आ जाए बाई लास्ट में आ जाए, उससे पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो हमें आई लगा के एस जोड़ देनी है। अभी बताया था मैंने कॉन्सोनेंट वाला, अब इसमें क्या है, इसमें है वोवेल। वोवेल कैसे कि अगर नाउन के अंत में अगर बाई है और उससे पहले कोई वोवेल आ जाए, क्या आ जाए वोवेल आ जाए, तो हमें ई एस नहीं लगाना है। अभी हमने बताया था बाई को हटा के आई लगा देते हैं और ई एस लगा देते हैं। लेकिन अब अगर बाई है लास्ट में और उससे पहले क्या दिया है वोवेल दिया है, ई है इसमें, ये क्या है वोवेल है, तो हमें सिर्फ इसमें एस जोड़नी है। क्या करना है एस जोड़नी और ये कैसा हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा। इस तरह से एम ओ एन के मंकी, मंकी दिया है तो ई है कैसा वोवेल है और बाई, तो इसमें हम एस जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे वोवेल नहीं होता कॉन्सोनेंट होता तो बाई की जगह हम आई लगा देते और ई एस जोड़ देते, ये ध्यान देना है ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है वोवेल है इसलिए हमने केवल यहाँ पे एस लगाई है। इसी तरह से जॉय एस लगाएंगे इसमें और डे डे हो जाएगा इसका, और ये बॉय दिया है इसका बॉय हो जाएगा क्योंकि इनमें समय क्या दिया है वोवेल दिया है और लास्ट में बाई है तो आई ना बना के हमें एस सिर्फ इसमें जोड़नी है। इसके बाद देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में वोवेल आ जाए तो उसको हम बदल कर ही प्लूरल बना देते हैं। और हमें पहले तो एस या ई एस का प्रयोग करना होता था या बी ई एस का, ठीक है, तो इनका प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ जो भी वोवेल्स दिए हैं उनको हटाना है मुझे और बनाना है प्लूरल। अब देखिए फुट क्या दिया है फुट, तो फुट एफ डबल ओ है इसमें, तो इसे हम डबल ई में बदल देते हैं, ये हो गया हमारा प्लूरल हो गया। इसी तरह से इसमें दिया है माउस, माउस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एम आई सी ई, ई हो जाएगा प्लूरल। अब गूज दिया है तो गूज का क्या हो जाएगा जी डबल ई एस ई, टूथ का टीथ हो जाएगा, और मैन है जो ए है इसकी ई बन जाती है, ये हमारा हो जाता है प्लूरल। इसी तरह से वुमेन दिया है इसमें भी ई बना देंगे, ये हमारे प्लूरल हो गए। इसी तरह से एक और है लास्ट, वो भी समझ लो। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उन पर कोई अंतर ही नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे इसमें दिया है डियर, डियर ये सिंगुलर भी है और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो डियर ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसकी, ठीक है। इस तरह से जो राइस है, राइस भी चेंज नहीं होता है, सिंगुलर भी है और यही प्लूरल भी है। और इसी तरह से हेयर ये भी ऐसा ही रहता है, सीप है, कैटल है, वीट है, इनकी कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये सिंगुलर में भी ऐसे ही रहते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही रहते हैं। तो आज मैंने आपको सब बता दिया दी नाउन नंबर, नंबर क्या होता है और ये इसके कितने भाग होते हैं और क्रम से आपको सब बता दिया है जब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो किन किन नियमों का ध्यान रखना है और हम कैसे बनाएंगे। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।